Hi, this is Sara Khan. Install Hum TV app for amazing content. जैसे तुमने अपने डैडी के ख्वाबों की कदर नहीं की, सुनहरी की कदर ना करके गलती कर रहे हो। मैं क्या कह रही हूँ तुम? आपकी बात ठीक है आहिल साहब, लेकिन हम यहाँ ख्वाहिशें पूरी करने के लिए नहीं बैठे हैं। अपनी कंपनी के लिए एक डिजर्विंग एम्प्लॉय की जरूरत है। छोड़ो ये काम, मुझे गाना सुनाओ। गाना मैं नहीं सुना रहा। अच्छा, अबे कोई धुन सुना दो। क्या? कितनी अच्छी धुन है, ऐसा लगता है जैसे सारे दर्द चुन ले। जख्मों पे मरहम रखने वाली धुन है तुम्हारी। क्या सोच रहे हो? तुम्हें पता है ना तुम्हारी धुनों में जादू है। जैसे कोई सुबुकरु नदी पहाड़ों के झरनों में बहती है, वैसे सुनने वाले तुम्हारी धुनों में बहते चले जाएंगे। बस करो सुनहरी, चुप कर जाओ प्लीज। मैं सच कह रही हूं। प्लीज प्लीज चुप कर जाओ। मैंने कुछ गलत कह दिया? देखो मुझे इरिटेट मत करो, मैं काम करने की कोशिश कर रहा हूँ, प्लीज। मुझे समझ आ गई है तुम क्यों परेशान हो, इसलिए ना कि तुम्हारी धुनों के लिए तुम्हारे पास कोई अच्छी सिंगर नहीं है। मैं हूं ना। जितना आसान तुम मुझे समझ रही हो ना, इतना आसान है नहीं। जितना मुश्किल तुम ऐसे समझ रहे हो, उतना मुश्किल भी नहीं है। तुम हर काम करने से पहले हाथ पैर क्यों छोड़ देते हो? हकीकत समझता हूं इसलिए। बैठ जाओ प्लीज। फिर क्या सोचा तुमने? क्या सोचूंगा, सोचने के काबिल ही नहीं रहा यार। फिर बात मान क्यों नहीं लेता मुस्तफा भाई? अच्छा है ना, कुछ पैसे भी बन जाएंगे और रेन भी बटा रहेगा तेरा। कर ले नौकरी। गुड मॉर्निंग। कहाँ जाने की तैयारी है? वो मुस्तफा भाई के स्टोर पे कुछ काम है, वही करके देना है। कब तक आओगे? दो तीन घंटे तो लगेंगे। क्यों, तुम क्यों पूछ रहे हो? कब तक चलेगा ये सब? क्या यही
कि तुम अपने करियर पे फोकस छोड़कर पता नहीं किन फजूल चीजों में अपना टाइम जाया कर रहे हो। हम इससे पहले बात कर चुके हैं। आहिल, ठीक है हम इस टॉपिक पे बात कर चुके हैं, लेकिन हम किसी नतीजे की तो नहीं पहुंचे थे। फजूल बहस है सुनहरी, जो तुम चाहती हो मुमकिन नहीं। तुम इतनी जल्दी कैसे हार मान सकते हो? यही समझ। आहिल, आहिल, मैं सच कह रहा हूँ, तुम्हें अगर यकीन नहीं आ रहा तो मुझे बड़ा अफसोस है इस बात पर। तुम सुनहरी के दोस्त होकर इतनी कम हिम्मत वाले कैसे हो सकते हो? हम मिलके कुछ ना कुछ कर लेंगे। सब फजूल बातें हैं, तुम खामखा अपने आप को और मत थकाओ, और बेहतर ही होगा कि तुम मेरी माँ की बातों में मत आओ। हाय तौकीर। ओह हाय, क्या हाल है? आज सुबह सुबह? हाय, बस जस्ट वांट टू आस्क यू समथिंग। वेल, यू सीम वेल रेस्टेड। रूबी, देखो मैं तुमको बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करता अभी, बट क्या करूं, समथिंग अर्जेंट हैज कम अप, मजबूरी है। एवरीथिंग ओके? या एवरीथिंग इज फाइन। मुझे फौरी तौर पर एक पेमेंट करनी है। तुम ऑफिस नहीं आ रही थी तो आई थॉट दैट। किस चीज की पेमेंट? रिमेंबर आई टोल्ड यू, मेंशन नहीं किया था एक दफा अबाउट द एम्प्लॉइज इंश्योरेंस स्कीम? हाँ हाँ हाँ। तो उसकी इंस्टॉलमेंट की मुझे पेमेंट करनी थी। ओके अगर आप चाहती हो तो मैं इंश्योरेंस के पेपर्स मंगवा सकता हूँ फॉर योर ओन सेटिस्फैक्शन। उसकी जरूरत नहीं है, हम डिस्कस तो कर ही चुके हैं, और वैसे भी वी नीड टू गिव बैक अ लिटिल। हाँ, बहुत अरसे से इरादा था। कितनी पेमेंट है? अच्छा, यू श्योर? ओह ग्रेट। वेल, सिर्फ सिर्फ 50 लाख। कैश चेक ही कर देती हूँ, इट्स इजीयर। चलिए, ये तो हो गया, और कुछ? फिलहाल तो बस यही था। और तुम बताओ कब तक ऑफिस आ रही है? पता नहीं तौकीर, मेंटली सेटल नहीं हूं मैं, दिल नहीं चाहता ऑफिस आने का। पर तुम हो ना वहां पे, मुझे पता है सब कुछ देख लोगे। हाँ भाई, हम तो हैं आपके खादिम, आपके काम काज करने के लिए। तो भाई, इस खादिम को एक प्याली चाय पिलवा दें तो अच्छा ही रहेगा। एब्सोल्युटली। रजिया, thank you।
जहां से आ गए हो तो मेरी दिल की दुनिया में हलचल मचाने आहिल सलावती। ना दिन को चैन है ना रात को आराम, कोई एक लम्हा नहीं जो तुम्हारी याद से खाली हो। आजा भाई, खाना लग गया है और आज पहला दिन है इसलिए खाना हमारी तरफ से। कल से अपना खाता खुद खुलवा लेना। मुझे भूख नहीं है, शुक्रिया। भूख नहीं है तब भी खाना पड़ेगा, भाई का ऑर्डर है और भाई को इनकार पसंद नहीं, समझा? समझ गया, भाई से कहना शुक्रिया। बड़े नखरे हैं भाई इसके। चल हम ही खा लेते हैं, चल। देखो तुम अपने भाई को बता दो कि तुम्हें मोहब्बत हो गई है, और कोई रास्ता नहीं है मेरे पास। हाँ हाँ, तुम तो ये चाहती हो तो कि भाई मुझे मार दे, जान से मार दे, मेरा गला दबा दे, इससे तो तुम ही मुझे मार दो। हमारे मारने की क्या जरूरत है, तुम तो डर डर के ही मर जाओगी। अरे मैं बोल रही हूँ ना कि मैं अपने हक के लिए बोलूंगी कभी ना कभी। तुम्हारे लिए यही बेहतर है, वरना वो जो तुम्हारा भाई है ना, तुम्हारी किसी गुंडे या मवाली से शादी करवा देगा और फिर तुम पूरी जिंदगी पछताती रहना। हाय अल्लाह, ना ना कह रहे, कैसी बातें कर रही हो तुम? तुम्हारी दोस्त हूँ इसलिए तुम्हें खबरदार कर रही हूँ। अगर तुम अपनी मोहब्बत को हासिल करना चाहती हो तो वक्त से पहले बहादुर हो जाओ। मुझे देखो, सुनहरी को देखो, सुनहरी जैसी हो जाओ। लेकिन एक बात बताओ, इंसान क्या मोहब्बत में बिल्कुल ही निडर हो जाता है? पता नहीं, लेकिन मोहब्बत करने वाले मोहब्बत के मामले में खुद गर्ज हो जाया करते हैं। हाँ तो ठीक है ना, अगर खुद गर्ज नहीं होंगे तो अपनी खुशियों पे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा ना। हो सकता है कि सच्ची मोहब्बत के उसूल का ये एक ही रास्ता हो। बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम, इंसान को अपनी खुशियों के लिए खुद गर्ज हो ही जाना चाहिए। बिल्कुल सही है। तुम ना इस फलसफे के बारे में थोड़ा और सोचो। हाँ मुझे बहुत काम है। अरे कहाँ जा रही हो तुम? बाद में बताऊंगी। हाँ बड़ा मसला हुआ भाई, यहाँ इसको काम है। हलाल की खाने के लिए अपने आप को मारना पड़ता है, तब जाके नसीब की रोटी मिलती है बाबू। ये लें सर, गरम गरम समोसे और चाय। थैंक यू। मान लीजिए। ऐसे क्या देख रहे हो? देख रहा हूं तेरे में कितना चेंज आ गया, वक्त भी तो बदल गया यार। लेकिन पॉजिटिव चेंज है, जिसकी वजह से भी आया है, अच्छा हुआ। मुझे लगता है मैंने कॉम्प्रोमाइज करना सीख लिया, इसलिए पुरसुकून होने लगा। ब्लेसिंग है, अब बस रुकना नहीं है, आगे बढ़ना। ये तुम सुनहरी एक ही बात की रट क्या लगाए रखते हो यार? आखिर क्या करवाना चाहते हो? पता है तुझे, वो तो पागल है पूरी की पूरी। आता हूं। ठीक है, पता नहीं लेटर है किसका, देख रहा हूं। आज मेरी जॉब लग गई। क्या? नाइस, कांग्रेचुलेशंस यार। या वेल डन। इसका मतलब है मुझे समोसों के अलावा भाभी के हाथ का गर्मा गर्म प्रॉपर खाना भी मिला करेगा। हाँ अब मुझे इसे हासिल करने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रख सकती।
आहिल एक बात पूछूं? सॉरी प्लीज मैथ्स पे ध्यान दो, तुम्हारा हिसाब अभी बहुत कमजोर है। ओके मैं जब भी तुमसे कोई बात करने लगती हूँ तुम मुझे मेरी खामियां बताने लग जाते हो। सुनहरी आई एम सीरियस, तुम्हारे एग्जाम होने वाले हैं, प्लीज पढ़ाई पे ध्यान दो। सिर्फ एक बात है छोटी सी। हाँ पूछो। देखो अगर कोई तुम्हें चांस दे या तुम्हारी हेल्प करे तो तुम वापस म्यूजिक करोगे ना? चांस? कैसा चांस? मुझे कोई चांस नहीं चाहिए। अच्छा चांस की जरूरत ही नहीं है? एक तो तुम्हें अल्लाह मियां ने इतना टैलेंट दिया है, ऊपर से तुम नखरे कर रहे हो। मेरे को नखरे नहीं है सुनहरी। फिर मेरी बात का जवाब दो, करोगे कि नहीं? सोचूंगा। गुड मॉर्निंग, क्या कर रही हो? काम कर रही हूँ। तो पढ़ाई का हाल तो मैं जानता हूँ, क्रिकेट में तो टैलेंट है, घर का काम करते हुए तुम्हें कम देखा है। अभी तुम सुनहरी को उतना जानते नहीं हो जितना तुम्हें लगता है। अच्छा सुनहरी एक बात बताओ, इंटरनेट या सोशल मीडिया से कोई लेना देना है तुम्हारा? तस्वीरें खींचते हो? किस चीज की? मोहल्ले की? अपनी? सेल्फी? सेल्फी नहीं। हाँ नहीं। मैं तस्वीर खींचू तुम्हारी अभी? यहाँ? हाँ ये बेटा इधर। हाँ थोड़ा सा इस तरफ। ओके थोड़ा बालों को हाँ क्या रख लो। अच्छा स्माइल। ये तो मेरा गाना गा रही हो। अपना गाना पहचानने लगे? वाह बोलो मत, सारे लाके जवाब देना। पूरा गाना आता है? यहां पे गा लोगी? ओके ठीक है, तो फिर शाम में पूरा गाना कह के सुनाना, मैं तुम्हारा वीडियो बनाऊंगा। ठीक है बात हुई। हाँ तुम मुझे अपना एक नया टैलेंट दिखाओ, मैं तुम्हें अपना एक नया टैलेंट दिखाऊंगा। अच्छा ठीक है फिर हो जाए शाम को। वेट मिलते शाम। हाँ उधर तैयार हो के आना। क्यों? मैं रोज अच्छी नहीं लगती? लगती हो लेकिन नॉर्मल से जरा ज्यादा तैयार हो। क्या
कैमरे के लिए। ओ कैमरा के लिए। टच स्क्रीन फोन लेकर दे। हैं? हाँ? क्या हो गया? घर में फोन रखा तो है? PTCL नहीं, मोबाइल फोन लेकर दे। आपको पता है फिर से व्हाट्सएप भी कर सकती हूँ। और सबसे मजे की बात, मैं आपकी शहाबुद्दीन से वीडियो कॉल भी करवा दूंगी। अच्छा, कितने का होगा? 15-20 हजार। हैं? 20 हजार? अच्छा ठीक है, सेकंड हैंड लेते, लेकिन लेकर दे, लेकर दे, लेकर दे, लेकर दे। सुनहरी क्या हो गया है? वो तुम क्या कॉलेज में इस्तेमाल तो करती हो? नेट शेट क्या होता है जो भी। अम्मी मुझे मेरा अपना मोबाइल फोन चाहिए, प्लीज ना लेके दे, बस मुझे नहीं पता। अच्छा अच्छा अच्छा, सोचूंगी मैं। थैंक यू। नाश्ता लगा रही हूँ, नाश्ता कर लो। नहीं। फिर लगी तू। फोन दे। नाश्ता लगा रही हूँ, आ जाओ। तूने बात की इससे? नहीं यार, बात नहीं की, लेकिन जिस तरह मुझे देखती है ना, मैं तुझे कंफर्म बता रहा हूँ कुछ। यार तू एक दफा लड़की से पूछ ले। हाँ, ये ना हो शादी के लिए रजामंद ना हो या रेडी ना हो, या फिर उसको भाई को इशू ना क्रिएट कर दे। अरे नहीं भाई, वो मुश्तबा भाई को मैं जानता हूँ पर्सनली। अगर उसको पता चल गया ना कि हम दोनों के बीच में कोई अफेयर है, तो जिंदगी में फिर कुछ नहीं हो सकता। तो फिर पूछो उससे जो वो कहती है वैसे करो। यार वो एक्चुअली हमने कभी फोन पे बात नहीं किया आपस में। फोन पे बात नहीं हुई? वो मैंने कभी रिस्क नहीं लिया ना उससे राब्ता करने का। तो फिर अब क्या करोगे? आइडिया, आइडिया, तुम आलिया से बात करके मुझे बताओगे। मैं आलिया से मुझे पता नहीं है, मुझे नहीं पता। तू आलिया से बात करेगा और मुझे बताएगा, समझ आ रही है? ओके चाय काका, दो चाय। खुश लग रहा है? जाहिर है यार। हेलो, सलाम अलैकुम आंटी। कैसी हो सुनहरी, क्या कर रही थी? कुछ नहीं, बस एक छोटा सा काम। आप बताएं। मैं आहिल के लिए बहुत परेशान हूँ सुनहरी। कैसा है वो? आंटी आप परेशान ना हो, सब सेट हो जाएगा। चीजों को उनके असल मकाम पे आने के लिए थोड़ा सा वक्त तो दें। ठीक कहती हो तुम, लेकिन मैं क्या करूं? माँ हूँ इसलिए इमोशनल हो जाती हूँ। आंटी आहिल आपसे नफरत नहीं करता। उसने कुछ कहा मेरे बारे में तुमसे? नहीं। तो तुम मुझे झूठे दिलासे दे रही हो। आंटी आप बात को समझने की कोशिश करें, आहिल इस वक्त अपने आप से नाराज है। जिस दिन मान जाएगा आपके पास भी लौट आएगा। तो तुम उसे मनाती क्यों नहीं? आंटी कर रही हूँ, वो ही कर रही हूँ। उसे वादा करो सुनहरी, वादा करो कि तुम आहिल को वापस उसकी दुनिया में लेकर आओगी। उसे उसे किसी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। आहिल को किसी चीज की कमी नहीं होगी, ये सुनहरी का वादा है आपसे। और आपको पता है सुनहरी अपने वादे जरूर निभाती है। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगता है कि शायद मैं जीते जी उसे अब कभी देख नहीं पाऊंगी। हेलो।
हेलो आंटी, कब आए? बस अभी, जब आप मसरूफ थे अपने कामों में। सॉरी, मुझे पता ही नहीं चला। कोई बात नहीं, बेखबरी का भी अपना एक मजा होता है। बैठे ना प्लीज, बैठे। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। कॉलेज कैसे चल रहा? बहुत अच्छा। तुम आलिया से बात करके मुझे बताओगे? आप मेरे सवाल के जवाब दे सकती? जी जी बिल्कुल। आप मोहब्बत पे यकीन रखती हैं? आप ईमान से ज्यादा। और इजहार पे? जान से ज्यादा। और अगर कोई अपनी मोहब्बत के इजहार के लिए आपके घर पे रिश्ता भेजे तो मैं उसे अपनी खुश नसीबी समझ के अपनी खुशकिस्मती पे खुद ही रश करके मरी जाऊंगी। था फिर मुझे डर लग रहा है अगर भाई ने मना कर दिया तो। सच सुनहरी, वाह।
माल दिया है सब दुकानों पे? जी भाई। किसी दुकानदार ने तंग तो नहीं किया पैसे देने में? नहीं भाई, सब ओके। ठीक है, जाओ आहिल को हिसाब किताब दे दो सब। भाई हिसाब किताब आप ही कर लें तो बेहतर है, हम आपके मुलाजिम हैं किसी लल्लू पंजू के नहीं। उसको मुलाजमत पे मैंने रखा है और इस काम के उसको मैं पैसे देता हूँ, और तुम्हारा ये काम है कि तुम उसको हिसाब दो। ठीक है? जी भाई। शाबाश। पैसे और ये दुकानों की लिस्ट अच्छी तरह गिन लेना पैसे। बाली अपना हिसाब पक्का जानता है, समझे? मेरे मुलाजिम खुश नहीं है तुमसे, उनको किसी भी किस्म की परेशानी नहीं होनी चाहिए। लेकिन मैंने क्या किया? कुछ करना दो, इसीलिए पहले से बता रहा हूं, खास लोग हैं मेरे। हिसाब ले लिया है तो उसको कंप्यूटर पे लिख दो जाके। ठीक है। अगर कोई अपनी मोहब्बत के इजहार के लिए आपके घर पे रिश्ता भेजे तो? कैसे हो आहिल? आप यहाँ क्या कर रहे हैं? काफी वीक लग रहे हो, लगता है यहाँ कुछ ठीक खाने पीने को मिल नहीं रहा है। मिलेगा भी कैसे, यहाँ है ही क्या? मैंने पूछा आप यहाँ किस लिए आए हैं? डील करना है। कैसा डील? यहीं पे मैं बता दूं या कहीं बैठ जाए? कैसी डील? मैं आपकी किसी डील में इंटरेस्टेड नहीं हूं। किसी बेहतर ही होगा आप यहां से निकलें और घर का रास्ता वहां पे। देखो, गुस्सा करने के बजाय एक बात पे गौर कर लो, इसमें तुम्हारा ही फायदा है। फायदा? फायदा तो यकीनन मेरी माँ का है जिन्होंने आपको यहां मुझसे मिलने भेजा है। नहीं, यहां मैं उसके कहने पर नहीं आया। तो फिर क्यों आया? देखो आहिल, मुझे पूरी तरह एहसास है रबाब ने तुम्हारे साथ और सलाउद्दीन के साथ बहुत ज्यादती की है और उसको इस बात की सजा मिलनी चाहिए। क्या कहना चाहते हैं तौफीक? साफ साफ कहिए।
तुम्हें अपनी जिंदगी जीने का पूरा हक है जिस तरह तुम चाहते हो। इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम रुबाब की किसी भी चाल का शिकार। कैसी चाल? चाल वो तुमसे मोहब्बत का नाटक करती है हर वक्त। तो देखो, वो तुम्हें अपने पास इसलिए लाना चाहती है क्योंकि उसे तब तक पावर ऑफ अटॉर्नी नहीं मिल सकती जब तक तुम उसके साथ ना हो। ये बात आप मुझे क्यों बता रहे हैं? ताकि तुम उसकी चाल नाकाम कर दो। ऐसे में वो तुम्हारी जायदाद पे भी काबिज नहीं होगी और तुम्हारा बदला भी पूरा हो जाएगा।